नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। मूंग दाल का सेवन ज्यादातर बीमारी के समय ही किया जाता है। इस दाल की खिचड़ी या फिर अंकुरित दाल खाने से शरीर का वजन भी कम होता है। मूंग दाल में ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है। यदि छिलके वाली मूंग दाल को देसी घी के साथ खाया जाए तो शरीर के कई रोग भी दूर हो सकते हैं। वेट लॉस करने वाले ज्यादातर लोग मूंग की दाल का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी वजन घटाने के लिए तरह तरह की डाइट को फॉलो कर चुके हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो, तो एक बार मूंग दाल डाइट जरूर आजमाएं। मूंग दाल डाइट को कैसे करें फॉलो? दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। कम से कम 2 गिलास पानी को धीरे धीरे घूंट लेकर पिए। इससे बॉडी का टॉक्सिन निकलता है और शरीर हाइड्रेटेड रहता है। फिर 1 घंटे के बाद योग, वॉक या प्राणायाम करें। मूंग दाल डाइट, पहले 3 दिन कैसे लें मूंग? मूंग दाल का सूप बनाएं, इसे दिन में 6 बार पिएं। इसको बनाने के लिए मूंग दाल में लहसुन, अदरक, नमक, हींग, जीरा, सौंफ, धनिया, हरी मिर्च को उबालें। इस सूप में किसी भी चीज का तड़का न लगाएं। इस डाइट प्रोग्राम को अगले 3 दिन तक फॉलो करें। लग सकती है कमजोरी। यदि आपको पहले दिन कमजोरी महसूस हो रही है तो दूसरे दिन सूप पीने की मात्रा को बढ़ा दें। हो सकता है कि आपको मितली आए या हल्का सिर दर्द महसूस हो, लेकिन घबराएं नहीं, ये डिटॉक्स की प्रक्रिया के कारण होता है। न करें इन चीजों का इस्तेमाल। मूंग दाल डाइट पर हैं तो उस दौरान खट्टी चीजें जैसे कि टमाटर, नींबू, दही आदि का इस्तेमाल न करें। यहाँ तक कि तेल या घी भी न मिलाएं, वरना आपको फायदा नहीं पहुँचेगा। चाय कॉफी की ले मदद। यदि आप सूप डाइट पर हैं और आपको रिफ्रेश होना है तो बिना चीनी की चाय कॉफी भी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको 8 से 10 गिलास पानी भी पीना है। मूंग दाल डाइट अगले 5 दिन ऐसे रखें। मूंग के सूप के साथ सब्जियों का भी सेवन करें। सब्जियों को उबालकर या फिर भाप में पकाकर सलाद के रूप में लिया जा सकता है। सलाद के लिए गाजर, खीरा, चुकंदर, मूली, लौकी, तुरई, कद्दू ले सकते हैं। ध्यान में रखें ये बातें। अपनी भूख के अनुसार सूप और सब्जियों का सेवन करें। अगर आप सुबह कुछ हैवी खाना पसंद करते हैं तो उबली सब्जियां खाएं और फिर लंच में मूंग दाल सूप पिए। शाम को फिर से सूप और डिनर में लंच और सूप दोनों ही ले सकते हैं। आखिरी 2 दिन ऐसे खाएं मूंग। आखिर के 2 दिन आपको सूप के साथ मूंग दाल का चीला बनाना होगा। चीले में प्याज, अदरक, टमाटर, नमक का यूज करें। पैन पर गाय का घी लगाएं और फिर उस पर चीला बनाएं। दिन में आपको 3 बार 1-1 चीला खाना होगा। सूप दिन में 6 बार लेना होगा। ऐसे में डाइट पूरी होने के बाद आप पाएंगे कि आपका ढेर सारा वजन कम हो चुका है। याद रखें कि मूंग दाल डाइट खत्म होने के बाद एकाएक ठोस आहार ना खाएं, बल्कि इसे धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।